हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल आवर क्रिकेट। तो इस वीडियो में आप लोग को मैं बताना चाह रहा हूं कि अभी जो सेमीफाइनल होने वाला है, सेकंड सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले मैच का मैं प्रीव्यू करने जा रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो बात करते हैं हम लोग कि ये मैच खेला कहाँ जाएगा। ये मैच खेला जाएगा कोलकाता ईडन गार्डन स्टेडियम में। तो इस स्टेडियम में अभी तक तो बहुत स्लो पिच रही है। अभी मुझे जो लगता है अपने ओपिनियन से कि ये टॉस, इस मैच में भी टॉस बहुत अहम रोल निभाने वाला है, क्योंकि जो भी टॉस जीतेगी टीम वो पहले बैटिंग ही चूज़ करेगी। और अगर उन्होंने बैटिंग लेते हैं और अगर उन्होंने 280-290 भी मार दी तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा इस पिच के हिसाब से। तो गाइज, अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 साउथ अफ्रीका की रहने वाली एकदम सेम जैसे पिछले मैच में थी। और ऑस्ट्रेलिया में एक चेंज होगा, लेबुशेन की जगह पर मैक्सवेल आएंगे, क्योंकि उनको एक मैच का रेस्ट मिला है शायद, तो वो आएंगे लेबुशेन की जगह पर और ज़रूर आएंगे। तो गाइज, अब बात करते हैं की प्लेयर्स की। की प्लेयर्स में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल मार्श हैं और साउथ अफ्रीका में क्विंटन डी कॉक हैं। मुझे लगता है इस वाले, आपको भी पता है, ये इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा इन लोगों ने परफॉर्म किया है और इस मैच में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और ये दोनों के अंदर इतना दम है कि ये पूरा मैच अपने दम पे ख़त्म कर दें। तो अब बात करते हैं गाइज मेरे प्रेडिक्शन की। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतने वाली है। अगर मैक्सवेल आते हैं तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया। तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी। आपका क्या ओपिनियन है शेयर ज़रूर करिए कॉमेंट बॉक्स में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए। और अगर मेरे अंदर कुछ वो हो, मतलब मैंने कुछ गलत बोला हो या आपको कुछ बुरा लगा हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।